नमस्ते दोस्तों, मैं पंडित प्रियेश मोदगिल श्रीचंद ज्योतिष ज्ञान पीठ से आपका स्वागत करता हूं अपनी इस छोटी सी चर्चा में, जहां आज हम भाग्य निर्माण के बारे में जानेंगे और ये भाग्य निर्माण होता कैसे है। और कोई भी ज्योतिषी या आपका कंसल्टेंट, आपका मित्र, आपका बड़ा, आपका कोई भी गुरु देवता जो आपको सलाह देते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हीं विषयों से जुड़ी हुई आज कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा कि भी कैसे आपका भाग्य निर्माण होता है और ये भाग्य बनता कैसे है, ये भाग्य मिला हमारे को क्यों है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से, और कुछ चर्चा का विषय बड़ा ही रोचक रहेगा। मैं चाहता हूं कि आप इसे ज़रूर सुने और जाने कि हो क्या रहा है और हमने अपना भाग्य निर्माण करना कैसे है। जय माता दी। आइए जानते हैं भाग्य निर्माण। नमस्ते दोस्तों, आज चर्चा करते हैं भाग्य निर्माण कैसे किया जाता है या हमारा भाग्य कैसे कार्य कर रहा है, हम जीवन में कैसे सफलता प्राप्त करेंगे। हम जीवन में अगर निचले स्तर पर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। और हाँ, आज मैं आपको वो भ्रांति भी दूर कर दूंगा जो लोग आपको ये कहते हैं कि ये उपाय करने से आपको ये फलित हो जाएगा, ये आपका काम बन जाएगा या आपको धन प्राप्ति हो जाएगी। उन चीज़ों से भी आज मैं आपको बाहर निकालूंगा कि वो चीज़ें कार्य कैसे करती हैं और आपको कितना लाभ दे सकती हैं, करती हैं तो कितना कर सकती हैं। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और इसे अच्छे से सुनें जो मैं कहना चाहता हूं। देखिए, भाग्य बदलना, और भाग्य है क्या? आपकी क्षमता, आपकी भौतिक उपलब्धियाँ जो आपने पिछले जन्म में कमाई, चाहे अच्छे कर्म थे चाहे बुरे कर्म थे, वो भाग्य के रूप में इस जन्म में आपको प्राप्त हो गई। कुंडली के अनुसार नौवें भाव को हम देखेंगे कि वो भाग्य कितना प्रबल है। ये तो एक छोटी सी बात कि इसके पीछे लॉजिक क्या है कि भी भाग्य, कौन सा भाग्य की हम बात कर रहे हैं? आपके संचित पुण्य और पाप जो आपने संचित करे हैं, वही भाग्य है आपका। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जो कोई कुछ देगा या आपको दिलाएगा, आपके भाग्य के अनुसार ही होगा। कोई भी उससे अधिकतम नहीं दिला सकता। जो भी आपके भाग्य में लिखा है, या तो पूरा दिला देगा या कुछ उसका अधूरा दिला देगा, मतलब कुछ ना कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर आपके नकारात्मक प्रभावों को हटाकर या हटवाकर लाभ दिलाया जाता है। इसलिए इस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहना, या ये भ्रम बिल्कुल भी मत मन में पालना कि कोई आपको आपकी मन इच्छा अनुसार आपका कार्य करवा देगा। ये स्वप्न है सिर्फ, और स्वप्न ही रहेगा। जो आपने कर्म किए हैं उन्हीं के अनुसार आपको फल मिलेंगे। फिर उसे पाने का प्रयास भी आपको करना है। अर्थात अगर आपके भाग्य में कोई चीज़ लिखी है, आपको मान सम्मान लिखा है, तो उसे प्राप्त करने के लिए अब आपको कर्म भी करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ फलित होगी। हम यहाँ पर अगर बात करते हैं आगे, जैसे कवच हैं, ताबीज हैं, गुटिका हैं, पूजा पाठ हैं, इत्र हैं, किसी भी प्रकार की धार्मिक अनुष्ठान हैं, ये आपको फल क्या दे रहे हैं? फल तो ये वही दे रहे हैं जी जो आपने भाग्य में आपके लिखा हुआ है, उसे आपको प्राप्त करने में सहायता दे रहे हैं। हाँ, अगर आप पुण्य कमाने के लिए कार्य कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? आपके पापों का नाश कर रहे हैं या उनको कम कर रहे हैं, क्षीण कर रहे हैं पापों को, ताकि आपके पुण्य में वृद्धि हो, आपके प्रॉफिट में वृद्धि हो। ठीक है, इस बात को तो आपको अब समझ आ गई होगी कि भी जो हमारे पिछले जन्म के पाप और पुण्य दोनों ही समान रूप से चल रहे हैं, जो हमने अर्जित करे हैं, और ये दशाएं जो हैं उन्हीं पाप पुण्यों का स्वरूप है जो आपको मिली हैं। अब हम जैसे ज्योतिषी आपके साथ कर क्या रहे हैं? देखिए, हम आपको पथ दिखा रहे हैं, मतलब आपको रास्ता दिखा रहे हैं भाग्य परिवर्तन करने का। भाग्य परिवर्तन होगा कैसे? आपके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। जैसे मंत्र के बल से भाग्य का निर्माण किया जा सकता है, परंतु साथ में कर्म का होना बहुत जरूरी है। ज्ञान, इच्छा, कर्म के बल पर भाग्य का परिवर्तन किया जा सकता है, और ये संभव भी है। आइए अब जानते हैं अन्य शब्दों में या अन्य कारणों से आपका भाग्य निर्माण कैसे हो सकता है। देखिए, किसी भी सिद्धपीठ, मंदिर, देवस्थान आदि ऐसी जगहों पर आपका जाना, वहाँ पर आपकी श्रद्धा का होना, ये भी बड़ी सकारात्मक सोच का
पैदा करते हैं, मतलब सकारात्मक सोच को पैदा करते हैं, क्योंकि ये जो बड़ी ऊर्जावान जगहें होती हैं, इससे क्या होता है आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो जाता है और साथ में कुछ घनात्मक जो ऊर्जाएं वो भी सघन रूप से आपके साथ कार्य करने लग जाती हैं। अब ये करती क्या है, वह आपकी नकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करती हैं, अर्थात उन्हें कम करती हैं या बिल्कुल ही हटा देती हैं। जैसे कोई कहता है कि यार मेरा मन बड़ा घबराता था, अब मैं बजरंग बली जी की सेवा करता हूँ या हनुमान चालीसा करता हूँ या हनुमान जी के मंदिर में जाता हूँ, वहाँ जाके मैं मन ने मत्था टेका तो अब मेरा मन शांत है, अब मुझे किसी प्रकार का भय नहीं लगता, अब मैं भय मुक्त हो गया हूँ। तो ये जो ऊर्जा है वीर बजरंगी जी की, वो उसके साथ घनात्मक रूप से जुड़ गई और ये भवनात्मक जो रिश्ता हमारा तैयार हुआ वीर बजरंगी जी के लिए, अब उसने वो उनके मन के भय को विनाश कर दिया या उसको हटा दिया बिल्कुल ही, जिससे आपकी कार्य प्रणाली जो होगी ना, अब सोच में फर्क पड़ेगा, आपकी उत्साह बढ़ जाएगा, क्षमताएं प्रभावित होंगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब ये कर क्या रहे हैं, आपके भाग्य निर्माण करने में सहायता कैसे देंगे? देखिए, जब हमारे अंदर ऊर्जा बढ़गी, स्फूर्ति बढ़गी, कर्म करने की भावना मन में आ गई कि अब मैंने कुछ करना है, तो आप कर्म की दिशा को बदलेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, आपको लाभ भी अब डबल हो जाएगा। अब जो भाग्य निर्माण की पहली सीढ़ी है ना, उसके ऊपर आपने पैर रख लिया। कैसे रखा? आपने किसी के वहम में नहीं पड़े, हमने किसी को कुछ कहा भी नहीं, हमने सिर्फ देवस्थान पर गए और उस अपने इष्ट को अपनी भावनाएं समर्पित करी और वहां की ऊर्जा का फायदा उठाया, उनके मतलब उनके आशीर्वाद का हमने फायदा उठाया और अपने भाग्य निर्माण में सहायता ली। आप देखते होंगे कि लोगों की ऐसी निष्ठा और विश्वास होता है कि भी वो नित्य नेम किसी मंदिर में जाना, किसी धार्मिक तीर्थ पे जाना नहीं छोड़ते, जैसे गंगा स्नान लोग नहीं छोड़ते। यही चीजें हैं जो लोगों का भाग्य निर्माण करने में सहायता करती है, और भाग्य निर्माण आपके कर्म के बिना नहीं फलित हो सकता, ये बात आपको मन में बिठा लेनी है। कोई भी ज्योतिषी या कोई भी ऐसा जो कार्य इस कार्य क्षेत्र में है, जो भाग्य निर्माण करने वाला व्यक्ति होता है, चाहे कंसल्टेंट है या कोई टीचर है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भाग्य निर्माण में आपकी सहायता कर रहा है, वो आपको कर्म करने के लिए ही प्रेरित कर रहा है, बाकी सब चीज़ें साधन मात्र हैं आपकी सहायता करने के लिए कि आपके भाग्य में जो लिखा है वो आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो, उसके लिए हम तत्पर हैं हमेशा से। लोगों की दशाएं आती हैं, बड़े बड़े राजयोग बनते हैं, गज केसरी योग बनते हैं, वो फलित नहीं हो पाते इसी कारण। क्यों नहीं हो पाते? योग तो बनते हैं इनकी, इसकी तो कुंडली में बड़े बड़े राजयोग हैं, परंतु फलित कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि उसके कर्म करने में कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है, उसे कर्म करने में पुरुषार्थ करने में कोई प्रॉब्लम है, या तो उसने सही टाइम पे सही कर्म नहीं करा, तभी उसको भाग्य में लिखी हुई चीज़ नहीं मिली। कई लोगों का खोया हुआ प्यार नहीं उनको मिलता, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से उनको हानि हो जाती है, या उनके ग्रह ऐसे बुरा प्रभाव डाल रहे थे उनके ऊपर, मन के ऊपर, कि भी वो उस बात से निकल ही नहीं पाए। तो मेरे को लगता है कि भाग्य निर्माण से जुड़ी हुई जो गहरी बात थी वो मैंने आज आपको बताई है। अगर आप अपने भाग्य निर्माण करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपके अंदर सकारात्मक सोच का होना और धनात्मक ऊर्जा का साथ जुड़ना आवश्यक है, पर मतलब भगवान का आशीर्वाद मिलना आवश्यक है। फिर उसके बाद किसी भी प्रकार का कवच, ताबीज, गुटिका, पूजा पाठ, अनुष्ठान, किसी भी प्रकार का उपाय आपको लाभ अत्यधिक मात्रा में, मतलब परसेंटेज वाइज देखेंगे बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट देगा, तब आपके सभी उपाय भी फलित होंगे। फिर वो जो बात कही जाती है कि फलाना उपाय करने से आपको धन प्राप्ति हो सकती है, किसी और माध्यम से किसी मंत्र जप करने से आपको किसी भी प्रकार की स्वार्थ सिद्धि हो सकती है, मतलब आपके मन की इच्छा पूरी हो सकती है, तो वो फलित होंगी, अवश्य फलित होंगी, जब आप अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करेंगे और इस बात को समझेंगे कि कोई भी व्यक्ति आपको आपके भाग्य से ज़्यादा नहीं दिला सकता। जो आपके भाग्य में लिखा है वो तो आपको भोगना ही है, परंतु आप क्या कर सकते हैं, उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अर्थात अगर आपकी बुरी दशा चल रही है तो आप उसे आसानी से झेल जाएंगे, आप में इतनी हिम्मत शक्ति आ जाएगी कि आप कहेंगे यार कुछ नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इससे बड़ी समस्या झेल सकता हूँ। दूसरा, जब आपकी शुभ दशा आ गई, अब आपका प्रॉफिट डबल हो जाएगा,
जहां आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो सीधा 100 रुपए तक भी पहुंचा सकते हो, मतलब 10 गुना कर सकते हो आप अपने प्रॉफिट को, क्योंकि आपके भाग्य में लिखा है शुभ दशा आ गई है। तो मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में यही जो बातें हैं फलित भी होंगी और आपका साथ भी देंगी, चाहे व्यापार का क्षेत्र है, प्यार का क्षेत्र है, किसी भी प्रकार का युद्ध का क्षेत्र है, मतलब अगर कोई शत्रु है उसे परास्त करना है तब भी आपकी सहायता होगी। तो मुझे लगता है आप मेरी इन बातों को ध्यान से सुनी होंगी, और कोई आपको लगता है कि किसी विषय के बारे में आपको लगता है कि बात कम रह गई है, तो आप कमेंट करके आप जरूर उस बात को लिखें कि आप इस बारे में बताएं। मैं कोशिश करूंगा उन पॉइंट्स को भी आगे अगली वीडियो में जरूर लेके आऊंगा। हाँ, अगर आप इसे YouTube पे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को, बंधुओं को भी शेयर करें, ताकि वो भी इस बात को समझ सकें कि भी भाग्य है क्या चीज़, भाग्य निर्माण करना कैसे है। पॉजिटिविटी रखनी है, भगवान के प्रति श्रद्धा रखनी है, और कर्म अच्छे करने हैं, बुरी चीज़ों का त्याग करना है। आपका भाग्य आपका साथ देगा, जितना भाग्य में लिखा है वो अवश्य आपको मिलेगा। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय सियाराम।